तो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ये सुपर स्पेशल है। हम लोग आए हुए हैं वेलोसिटी टायर्स लुधियाना और आप लोगों को रमन भैया से मिलवाऊंगा। वी हैव सुपर कार जो कि मतलब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। द कलेक्शन लुक्स वेरी अमेजिंग और जैसा आप लोगों को पता है कि लुधियाना में अगर आप कभी भी आ रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त वाली कलेक्शन हमेशा से देखने को मिलती है। तो कलेक्शन आप लोगों के सामने है, चारों तरफ आप लोगों को कवर्ड जो है चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो सीधे चलते हैं रमन भैया के पास और करेंगे उनसे और बातचीत। कैसे हो रमन भैया? कैसे हो? आजकल टचिंग जो है वो इस तरीके की चल रही है। तो रमन भैया फ्रॉम वेलोसिटी टायर्स हमारे साथ में है और रमन भैया और मेरा मतलब आप लगा लो प्यार मोहब्बत बहुत तगड़ी वाली है हमारी। बहुत टाइम से जो है हम लोग नया नया कंटेंट जो अपने ऑडियंस के लिए लेके आते हैं। तो रमन भैया आज क्या सोचा है कि मुसाफिर फैमिली को क्या दिखाने वाले हो? और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, मास्क तो सब पहन ही रहे और क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, क्या अपनी नई कलेक्शन आई है वो जरूर ऑडियंस को बताओ। आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, बहुत चेंजेस आए हैं, हमने भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे हैं। ठीक है, तो आज का जो स्पेशल है कि आज हम स्कॉर्पियो के लिए 24 इंच तक का रेंज लेकर आए हैं। अच्छा। और एक क्लाइंट आया भी हुआ हमारे पास, देखते हैं उसमें वो 20 लगाते हैं, 22 लगाते हैं या 24 लगाते हैं। उसके अलावा एक XUV 500 है, उसमें भी कस्टमर 20 इंच लगाना चाहता है, वो भी एक स्पेशल चीज है बिकॉज XUV 500 के अंदर अलॉय व्हील्स मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ये बात है। उसकी PCD ऐसी है, ज्यादातर कस्टमर हमेशा परेशान रहता है कि इसके अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। जैसे हमने बलेरो का एक सिस्टम निकाला था, आज इसका भी एक तरीका निकाल लिया है। बहुत प्यार मोहब्बत दिया लोगों ने बलेरो की वीडियो को, इवन उसके बाद जो है लोगों को जागरूकता काफी मिली कि होता क्या असलियत में, कैसे आप लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हो। सेम वही कन्वर्टर्स हम लोगों ने XUV 500 के लिए भी डेवलप करे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आज हम आपको हो सकता है 20 इंच की फिटिंग। तो भैया ने बड़ी अच्छी चीज आप लोगों को बताई है। तो सीधे मैं जो हूँ कारखाने की तरफ जाने वाला हूँ जो कि भाई एलॉय का पूरा जगह है। तो सीधे चलते ऊपर की तरफ और करेंगे आप लोगों से बातचीत। I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. My nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt. And my mom, she upset. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को फुल कलेक्शन दिखाने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 15, 16, 17 तक हम लोगों ने जो आप लोगों को कलेक्शन ऑलरेडी दिखाई है। 18 इंची में बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई क्रोम में कुछ दिखाओ, क्रोम में कुछ दिखाओ। तो कुछ स्पेशल एक कहते हैं ना कलेक्शन जो है भैया की आ रखी है। तो भैया ओवर टू यू, ऑडियंस को ज़रा बताओ कि क्या चीज़ चल रही है 18 के लिए। एंड आजकल जो गाड़ी आ रही है उसमें अपग्रेडेशन 18 इंचेस में काफ़ी हो रहा है, तो एक बार जरा ऑडियंस के साथ ये चीज़ शेयर कर दो। 18 इंच अगेंस्ट स्कॉर्पियो वही कस्टमर डालता है जिनका ड्राइविंग बड़ा रफ रहता है, जिन्होंने रफ ड्राइविंग यूज करनी है या हैवी ड्यूटी यूज करनी है। ठीक है, तो उसमें भी अगेन यू नो कॉनकेव व्हील्स हैं, कुछ डीप डिश जो हम आप बोलते हैं जो आपकी स्पेशल पसंद है। बिल्कुल, तो उसमें ये फ्यूल और मेथड के व्हील्स आए हैं, तो उसमें भी और ज्यादा कॉनकेव व्हील्स आ गए। इसमें कुछ क्रोम के रिम्स नए हम लोगों ने दोबारा इंट्रोड्यूस करे हैं। बिल्कुल, बिकॉज अगेन यू नो हर एक चीज का टेस्ट, हर कस्टमर का टेस्ट अपना अपना रहता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट आने की कोशिश करी है आजकल व्हील बड़ा। ये सबसे मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट है, मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि अपग्रेडेशन आगे कुछ होगा तो जरूर इस अलॉय में या फिर सिल्वर में भी एक ऑप्शन आता है। सिल्वर, ये दिस इज कॉल्ड हाइपर सिल्वर गन मेटल। ठीक है, इसमें एक सिल्वर पेंट होती है जिसको हम हाइपर सिल्वर बोलते हैं, जो सिर्फ पेंट के साथ रहता है। ठीक है, इसमें गन मेटल साथ में रहता है। इसका फायदा क्या रहता है कि अगर हम स्क्रैचेस, जैसे गाड़ी रोड पे चल रही है तो पेंट ने तो फिर पील ऑफ होना है। ठीक है, और लेकिन इसमें ये गन मेटल रहता है, इसमें स्क्रैचेस जलेंगे पर पील ऑफ नहीं होगा, तो एक ये बड़ा बेनिफिट रहता है इस चीज का। अगेन अब जैसे ये सिंपल बेसिक सिल्वर फिनिश है, अब सिल्वर फिनिश के ऊपर अगर आपको पेंट लगेगा तो यहाँ से पेंट निकल के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम गन मेटल में कर लेंगे तो गन मेटल में इसका इशू नहीं आता है, तो एक ये बेनिफिट आ जाता है। एक चीज और भी है, जैसे बहुत सारी ऑडियंस है जो कि ये चीज जानना चाहती है कि क्या एक 18 इंच वाला जैसे अलॉय आता है तो क्या उसका जो पूरा एक विर्थ होता है या फिर जो पूरा उसका मतलब एक ओवरऑल साइज होता है, क्या वो हर उसका सेम होता है या अलग अलग होता है? देखिए इसमें बहुत अगेन जैसे आपको 17 इंच में मैंने एक डिफरेंस दिखाया था, 18 इंच में भी जो व्हील्स हैं वो स्टार्टिंग रेंज आ जाती है 18x18x8J। ठीक है, 18x7.5, 8, 8.5, 9.5 बड़ा आजकल फेमस है। 9.5J भी है मेरे पास। अच्छा जी, अब जैसे ये स्पेसिफिक रिम है, ये मेरे पास 9.5 रिम है। ठीक है, इतना विड्थ का रिम किसी के पास नहीं, जनरली नहीं मिलता है, बट 8.5 और 9.5 ये स्पेसिफिकेशन थोड़ी स्टैंडर्ड हो गई है और इसी से रिम का ग्रेस मिलता है। जितना डीप रिम होगा उतना कॉन्केव रिम होगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी और उसका बेनिफिट भी उतना रहता है। अगेन बात प्राइसिंग पे आ जाती है। ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं कि यू नो प्राइस में डिफरेंस महंगा और सस्ते की बात करते हैं। देखिए क्वालिटी है, अगर क्वालिटी डालेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात है, इसमें क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस। एंड यू नो अगर आप
गाड़ी में, कोई 20 लाख की गाड़ी में सामान डाल रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है वहाँ पे प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है जो कि आप लोगों ने पूरी कलेक्शन वाइज देखी है। एक चीज़ मैं भैया से और जानना चाहूँगा, भैया देखो कुछ लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं, जो कहते हैं कि मेरे को ब्लैक का मिक्सर चाहिए, साथ में सिल्वर का मिक्सर भी चाहिए, और कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ कलेक्शन देख पा रहा हूँ, अगर आप लोग एक ओवरव्यू वाइज यहाँ पर पूरी चीज़ें देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा अच्छी कलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट जो मेरे को पर्सनली देखो अपने आइडिया के उससे बहुत अच्छा लगा वो है आप लोगों का ये वाला अलॉय। और इसी के साथ में अगर आप लोग जाते हो इस तरफ तो आप लोगों को कौन सी गाड़ी ऑडी की जो है याद आती है मेरे को ज़रूर बताना। बाकी एक बार भैया आप बताओ जरा आपकी सबसे जो फेवरेट इनमें से है वो कौन सी कलेक्शन है? अगेन यू नो वाइट के साथ लोग ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद कर रहे हैं ठीक है, तो अब ये डायमंड कट प्लस ब्लैक आ रहा है ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है? अगेन सेम चीज़ है, गन मेटल है, खराब नहीं होगा, लाइफ ज़्यादा है, ड्यूरेबल, आप सफाई रखें या ना रखें, क्योंकि स्कॉर्पियो एक जैसे अगेन हैवी ड्यूटी यूज़ होने वाली गाड़ी है, और 18 इंच अगर हम देख रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि हम उसको हैवी ड्यूटी यूज़ करने वाले हैं ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और ये कितने इंचेस रहते हैं? ये 18 × 8.5 एंड 9.5 थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, टायर बाहर आ जाता है, काफी स्टेट्स में इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, बट 8.5 इज गुड इनफ, उसमें दिक्कत इतनी नहीं आती है ठीक है। कंपैरिजन में आप देखेंगे दिस इज अ स्टेपलेस अलॉय विद कॉनकेव फील, अगेन दिस इज इसका अंडरकट ट्रेंड लाइन में आ जाता है बिल्कुल, उसमें कुछ भी वैसे भी नजर आएंगे जिसमें बिल्कुल ही स्टेपलेस है, जैसे ये भी शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपको बिल्कुल ये मैंने देखा था, इसमें कोई स्टेप नहीं है ठीक है, तो ये व्हील ऑलरेडी 18 की जगह 19 इंच देखने में लगते हैं ठीक है। इसमें अगेन अगर आप देखेंगे गोल्डन है विद रिवेट्स है, देखिए डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, आफ्टर ऑल यू नो जो गाड़ी में लोग डलवाते हैं उनका एक माइंड सेट और प्री माइंड मेकअप होता है कि मुझे ये अलॉय डालना है। हम अब हमेशा एक बात कहते हैं आप हमारे पास आओ, आप 5 लाइन डिजाइन लगाओ, 10 डिजाइन लगाओ, गाड़ी में लगवा के देखिए जौन सा आपको अच्छा लगेगा आप वो लगवा लीजिए। चलो ये परफेक्शन है। अगेन 18 इंचेस जो है आप लोगों को रमन भैया ने बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया। अगेन गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप में से कभी भी कोई भी एलॉय को चूज़ करने जा रहा है या टायर्स को चूज़ करने जाना, अगेन मैंने एक तरीके से मुहिम कह सकते हैं मैंने बोला था कि यार से नो टू चाइनीज़ टायर, और मतलब उसके बाद काफ़ी लोगों का इफेक्ट भी इस चीज़ का है कि लोगों ने जो है इसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, लोगों ने अच्छे जो ब्रांडेड टायर्स उनमें मूव किया जिससे उनको फ़ायदा ही हुआ होगा, नुकसान तो नहीं हुआ होगा। चलो भाई बैक टू आवर अपना जो पूरा कंटेंट है जिसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो भैया ये कितने इंचेस के है जो ये ऑप्शन है? 17 इंच है। कई स्कॉर्पियो के कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं हम लोगों को टायर नहीं चेंज करना है ठीक है, कंपनी का जो ओरिजिनल साइज लग के आया उसी में हमने जो 17 होता है 17 इंच होता है 35, 65, 17 कंपनी ओरिजिनल डाल के देती है स्कॉर्पियो में, उसमें कई कस्टमर्स होते हैं दे डोंट टू चेंज टायर, किसने गाड़ी 4000 चला ली होती है, किसने 5000 चला लेती है, तो उनको बाय बैक वैल्यू नहीं मिलता नया जैसा ठीक है, ऑब्वियसली 18 में थोड़ा बजट भी ऊपर आ जाता है ठीक है, इसलिए उसमें 17 होता है। 17 में अगेन ये जितना भी आप रेंज देख रहे हैं सारे रेंज में आप इसको ओरिजिनल टायर में फिट कर सकते हैं ठीक है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि आपको टायर चेंज करने की जरूरत अगर नहीं है तो आप इसी अलॉय डाल सकते हैं। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो ये कलेक्शन वाइज मैं आप लोगों को कुछ गिनी चुनी चीजें दिखा रहा हूँ जो कि आप लोग अगर चाहो तो मुसाफिर भाई के चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग भी जो है इनके लिए जा सकते हो। जैसे ये एक चॉइस बड़ी अच्छी है इसमें देखने में, इट लुक समथिंग डिफरेंट। इसी के साथ में ये आप लोगों का किया का जो ओरिजिनल वाला आता है आपका HT के वेरियंट में, तो ये वो वाला है, ये वाला अलॉय भी काफी टेम्पटिंग है। और बाकी अगर आप बात करोगे कुछ आप लोगों को रियलिस्टिक और कुछ जबरदस्त वाला देखने वाला अलॉय चाहिए तो ये आप लोगों का थोड़ा ग्रे फिनिश में आता है एंड इट लुक्स रियली प्रीमियम। और उसी के साथ में भाई इसको मैंने असलियत में जो है वो रोड में चलते हुए देखा है तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, तो ऑडियंस जो है वो बिल्कुल हमारे साथ घुल मिल गई है, तो उनको जो है बड़े अलॉयज की तरफ लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट कितने इंची आने वाले भैया? अभी इसके बाद हम देखेंगे 20 इंचेस के बाद मैं आपको 22 इंचेस दिखाऊंगा, 22 के बाद मैं आपको 24 इंच दिखाऊंगा, तो पहले हम 20 इंची की तरफ आ जाते हैं। तो 20 इंची के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं, और 20 इंची में भैया क्या कलेक्शन है पहले ऑडियंस को जो है दिखा दो। पहले काफ़ी इंप्रूव्ड है, काफ़ी नई कलेक्शन आई है, कोरोना की वजह से डिले ज़रूर हो गया था कलेक्शन, आप सब समझते हैं कि इसमें जो डिलीवरीज थी नहीं हो पा रही थी, बट थैंकफुली वी हैव रिसीव्ड ऑल द मटेरियल और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा इसमें आपको। नया क्या किया है हमने 20 इंचेस में भी स्टेपलेस व्हील्स इंट्रोड्यूस करे हैं प्लस वाइड रिवील्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे आपका भी टेस्ट है आपको भी बहुत अच्छे बहुत मजा बिल्कुल वाइड इंच रखते हैं स्पेसिफिकली। अब अगेन 20 इंचेस में क्या चल रहा है आज की डेट में, अगेन दिस इज स्टेपलेस टेक्नोलॉजी, 20 इंचेस में स्टेपलेस टेक्नोलॉजी अगेन बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट काम होता है कंपनी को बनाना, बट दिस थैंक्स टू दिस RPM व्हील्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ व्हील्स विद द स्टेपलेस टेक्नोलॉजी। अब इस पे क्या बेनिफिट है, ये 20 इंचेस लगा भी 21-22 इंच की लुक्स देता है ठीक है, ये 5 स्पोक का रिम है, इसमें ये 5 स्पोक का रिवील नया है,
ये फेसबुक और ये भी काफी टेम्पटिंग है अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग आप लोगों को जो है देखने में लगेगा। अगेन समथिंग डिफरेंट अगर आप लोगों को देखना है तो डिफरेंट में ये लुक जो है काफी अच्छा है अगर आप लोग कभी ऑप्ट करना चाहो। मल्टीस्पोक मल्टीस्पोक भी है बिल्कुल, ये वाली जो कलेक्शन है ये भी बहुत जबरदस्त है। मल्टीस्पोक होने के बावजूद ये सफाई करने में आसान है, अक्सर लोग कस्टमर ये कहते हैं कि ये व्हील सफाई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल इसमें अच्छे से हाथ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ये आप लोगों के 20 इंची के थे भैया, तो 20 इंचेस में जितने भी लोगों के शौक है और वो चाहते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिकली कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले तो अगेन रिकमेंडेशन वाइज जो है हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो भाई 20 इंची वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम होते हैं, पंजाब में टेस्ट जो है वो 20 के ऊपर ही शुरू होता है। Absolutely, पूरा ट्रेंड हो गया है जब कस्टमर हमसे 22 और 24 भी मांगता है तो 24 जब होता है ना तो 24 का थोड़ी बात क्या होती है, 24 इज एंड, 24 के बाद 25 आएगा, लेकिन 25 के लाने के लिए आप लोगों को गाड़ी भी इतनी चाहिए कि वो इतनी कैपेबल हो कि 25 इंची का जो एलॉय है उसको वो झेल सके। तो भैया नेक्स्ट 21 इंची आ रहा है, 22 इंची आ रहा है, क्या आने वाला है? ऑड साइज नहीं आते हैं, 20 के बाद 22 रहता है, 22 के बाद 24 इंच आता है। और ये क्यों मैंने पूछा इसका भी जवाब देता हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया यार मैंने ना 20 इंची के एलॉय लगा लिया, मेरे को 21 इंची के एलॉय चाहिए। तो ज्यादातर हमारे पास कस्टमर्स बोलते हैं जैसे आपने बोला 21 इंच, ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अलॉय व्हील्स अवेलेबल होंगे बट रेंज अवेलेबल नहीं होगी, टायर्स की रेंज अवेलेबल नहीं होगी। हमेशा व्हील सिलेक्ट करने के लिए इवन नंबर लेना बेटर रहता है, और ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है बट लेना नहीं चाहिए क्योंकि साइजिंग अवेलेबल नहीं रहती है। चलो आप 20 लीजिए, 22 लीजिए, 24 लीजिए, आपको अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी, 19 और 21 में नहीं मिलेगी जनरली। चलो भाई ये बहुत अच्छी चीज भैया ने आप लोगों को बताई है। तो नेक्स्ट चीज जो है हम लोग 22 इंची के बारे में बात करने वाले, और मैं देख पा रहा हूँ कि भैया के मुंह में एक स्माइल है, ऑल्दो मास्क पहना हुआ भैया ने, लेकिन भैया के मुंह में एक बड़ी अच्छी स्माइल है, क्योंकि जो मतलब कहते हैं कि जब सोना मेरे पास है तो किसी को भी आना है तो सोना खरीदने के लिए आना मेरे पास ही पड़ेगा। तो भैया 22 इंची के जरा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ बढ़िया तरीके से, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इनके ऊपर बढ़िया तरीके से फोकस होना चाहिए और बिल्कुल जो है भाई बढ़िया रिस्पॉन्स जो है हमें पता चलना चाहिए। एक बार दिखा दो ये देखो, ये 22 इंच पे नया व्हील आया हमारे पास, मैट व्हील, मैट डायमंड कट के साथ, अगेन दिस इज स्टेपलेस व्हील विद फ्रॉम द आरपीएन कंपनी, बहुत अच्छा बेसिक, जैसे अगर हम रफ टफ यूज के लिए, देखिए गाड़ियां स्कॉर्पियो है, रफ टफ यूज तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, ऐसी चीज बनाए कि कस्टमर अगर केयर नहीं भी करे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। तो जैसे ये मैट में आ गया, अगेन दिस इज सिल्वर, ये सिल्वर में पहले भी आपको मैंने शायद दिखाया था, दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट, अगेन लिटिल, इसको स्टार वाला बोलते हैं कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भाई अपने देसी भाई है और हम लोग भी जो है देसी शब्दों में जो है कोशिश करते हैं चीजें बता सके। तो जो स्टार एलॉयज होते हैं स्पेशली 22 इंची में, इफ यू आर लुकिंग फॉर इट गो फॉर इट, आप लोगों को ये मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसका भी लोगो मिला के देखोगे तो आप लोगों के जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उनमें आप लोगों की चीजें देखने को मिलेगी। यूजली होता ऐसा ही है कि एलॉय के जो डिजाइनिंग होती है वो काफी मिलती जुलती जो है उससे आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर आप लोग कलेक्शन देख ही रहे हो ऑलरेडी, तो इसमें से जो मेरे को सबसे ज्यादा आई कैची लगा वो आपका ये वाला एलॉय था। ये बिल्कुल डिफरेंट फिनिश है, ऐसी फिनिश हमने पहले कभी नहीं मंगाई, दिस इज व्हाट वी कॉल अ टाइटेनियम फिनिश, ठीक है। टाइटेनियम है इसका बिल्कुल जो फेस कट है वो मिरर फिनिश जिसको बोलते हैं, बिल्कुल मिरर की तरह रहता है इसका, आप 5 साल के बाद भी इस व्हील को देखेंगे ये ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और फाइनेस्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो फाइनेस्ट समथिंग डिफरेंट, एक तो आप लोगों का ये वाला एलॉय है, जरूर इसको आप लोग चेकआउट करो। एंड इसके अंदर जो खासियत मेरे को लगी, एक तो इसकी डिजाइनिंग जो कॉन्केव जो बोलते हैं कि भैया होनी चाहिए भाई, थोड़ा डीप वाला लुक भी होना चाहिए, वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगेन कमिंग टू दिस एलॉय समथिंग वेरी डिफरेंट, अब मैं इसमें ये नहीं बता सकता इसकी शेप कैसी है, लेकिन स्टिल इसके बारे में अगर ऑडियंस ने क्योंकि अभी देखा नहीं होगा या फिर जितने लोग आपके पास अप्रोच कर चुके हैं ऑलरेडी उन्होंने तो देख लिया होगा, तो ऑडियंस को बताओ क्या होता है भैया, ये कैसे डिजाइनिंग होती है, कैसे आप बनवाते हो पहले तो ये बताओ। देखिए अगेन यू नो सबसे बड़ी बात क्या है, 22 इंच का मतलब है आप अपनी गाड़ी को यूनिक और डिफरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। यू आर पुटिंग द व्हील्स व्हिच नो वन एल्स डज, ठीक है, कोई और नहीं कर सकता, और आप बोर्ड करवा रहे हो। जब आप ऐसी जब ऐसे आप माइंडसेट और ऐसे सोच के साथ आते हैं तो हम लोगों को भी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल। सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, जो ज्यादा गाड़ियों में नहीं मिलेगा आपको डालने के लिए। हमारे ज्यादातर भाई यही कहते हैं भाई व्हील वो डालना है जो किसी की और गाड़ी में ना डलाओ। और इस भाई इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि किसी गाड़ी में, लेकिन हाँ वो कम से कम डला होगा इस बात की गारंटी मैं दे दूंगा। तो भाई हाँ भैया ने देखो ये पूरी बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब जैसे बोलते ना कि मूवी जो है वो बस अभी स्टार्ट हुई है और मूवी में मेन हीरो जो है वो अब जो है आप लोगों को लाइमलाइट में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं 24 इंची एलॉय के, और 24 इंची को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है, और वो मिथ क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई 24 इंची लोगे बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑल्दो देखो अगर आप खुद ब्रेकेज करते हो तो एलॉय की एनी डे आपको कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट है जी हाँ आपकी सुनवाई की जाती है। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल 24 इंचेस
अमेजिंग लुकिंग, मतलब मैं अगर एक शब्द में इसके बारे में बात करूँ तो मतलब इतना ज़्यादा आई कैची है ये, मतलब अगर आप इसको हाईवे में लेके गाड़ी को निकलते हो और ये वाला अलॉय आपको दिखता है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ भैया एक बार। 24 इंच अगेन बड़ा आज की डेट में हर कस्टमर कहता है कि जैसे 20 हमने शुरू करा, बिल्कुल लास्ट जब हमने गाड़ी में डाला तो उसके बाद लोगों ने बोला 22 चाहिए, अब सबने 22 डाल दिया, अब 24 आ गया। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हम 30 इंची का अलॉय दिखा रहे होंगे और उसके लिए हमें ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। देखिए गाड़ियाँ ऐसी हैं कंपैटिबिलिटी की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि कंपैटिबिलिटी क्या है गाड़ी में, 24 इंच इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट टॉप नॉच प्रीमियम। बिल्कुल जब हम बात करते हैं प्रीमियम की और यूनिकनेस की तो दिस इज द बिग बिग थिंग, यू नो दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है इन व्हील्स को मतलब प्रोक्योर करना, बहुत मेहनत लगी है हम लोगों को इनको प्रोक्योर करने की। आप किसी के पास भी जाएंगे आप देखेंगे उनके पास ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे बोलूँगी मैं अकेला हूँ 24 इंच बेचने वाला, दिस इज नॉट लाइक दैट, पीपल डू हैव सम व्हील्स, बट रेंज कलेक्ट करके लेके आना वो एक चैलेंज होता है। बिल्कुल ये चीज़ अपने आप में रेंज लेके आना, उस प्रोडक्ट की और उसकी क्वालिटी देना, उसकी वारंटी देना, वो और उस चीज़ को क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करना, ये एक चैलेंज था अपने आप में। काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में, बट थैंकफुली वी हैव रीच्ड। चलो भाई देखो भाई, कोविड चल रहा है उसके बाद भी यू आर गेटिंग सच अ नाइस कलेक्शन, ऑल्दो इस टाइम पे सबके सब लोग जो है वो सेविंग मोड में है, लोग जो है पैसा बचा रहे, लेकिन अगेन शौक से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई कोई चीज़ हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट और बढ़िया तरीके से करें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग थोड़ा सा क्लियर व्यू के उससे बात करोगे, देखो मेरे को ऑल दो चटक चीज़ जो है वो जल्दी आँखों में पकड़ी जाती है, लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करोगे इट लुक्स सुपर सोबर एंड मतलब आई कैची होने के साथ साथ में अगर इसको आप लोग हाईवे में लेके निकल रहे हो या फिर आप सिटी ड्राइव में भी निकल रहे हो तो आपको लोग रोक के ज़रूर पूछेंगे कि भाई कौन से अलॉय डले है, तो आपने क्या बोलना है, वेलोसिटी टायर में ये हमने डलवाए थे लुधियाना की, ये आप लोगों की जो है पूरी कलेक्शन आपने देखी है। तो भाई ये तो बातचीत हो गई आप लोगों की अलॉयज़ के बारे में, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है मज़ा भी ज़रूर आया होगा, और हमने थोड़ा कोशिश किया कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके और वॉइस जो है वो अच्छी हो सके, बातचीत जो अच्छी हो सके। लेकिन अभी जो सबसे मेन चीज़ बची है, मूवी का आपने हीरो देख लिया, हीरोइन देख ली, जगह देख लिया, अब बारी आती है कि भाई क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है। तो सीधे आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ स्कॉर्पियो और एक्सयूवी दैट लुक्स वेरी 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 डैशिंग। तीन बार डैशिंग इसलिए बोला है क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं और आप लोगों को कलेक्शन दिखाने। I need to know everything, who in the what and where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the end. तो गाइस आप लोग देख रहे हो स्कॉर्पियो में अभी लगे हुए 18 इंची के अलॉयज, अलॉयज के साथ में आप लोगों को टायर का जो डिफरेंस है वो भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज भैया जो ऑडियंस को बताओ पहले आप टायर साइज का क्या डिफरेंस रहता है, रिस्पॉन्स जो है वो खुद आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या लुक है। अगेन चॉइसेस मैंने आपको बता दिया, भैया ओवर टू यू, थोड़ा साइजेस के बारे में बताओ क्योंकि एक तो ये साइज है, ये क्या साइज है? इंच में हम लोगों ने 8.5 चौड़ा रिम लगाया है। ठीक है, अब हर तरह हर कस्टमर हर जैसे गाड़ी का 18 इंच में हमने बताया था हैवी ड्यूटी यूज होता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास आती है 255x55 प्रोफाइल। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंटल का टायर है, ये 55 प्रोफाइल के साथ है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या फायदा होगा कि अगर आपकी गाड़ी का जो लुक है वो टायर बल्कि नहीं नजर आएगा, इट लुक अ वेरी डिसेंट एंड सोबर लुक टू योर कार। ठीक है, प्लस सिल्वर अलॉय है आरपीएम का डायमंड कट के साथ, अगेन ब्यूटीफुल लुक्स, बहुत अच्छा डिजाइन लगता है, रिवॉल्विंग लगता है, तो इसके हिसाब से जो कस्टमर का चॉइस है ब्लैक और सिल्वर का, तो उसके लिए भी एक कस्टमर को चॉइस मिल गई कि वो देख ले कि सिल्वर अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा पास से आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे तो आरपीएम व्हील जो है वो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो ऑफिशियली वेलोसिटी टायर्स वाले जो भैया है रमन भैया, उनका अपना ब्रांड है। तो इसको जो है हम लोग क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैं खुद इसको अपनी स्विफ्ट और किया सेल्टोस में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भैया ने बोला है तब मैंने जो है ऐसे लगा लिया, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं और अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो भाई वो पॉजिटिव साइड है, एंड आई गेस कि आप लोगों को आइडिया मिला होगा। पीछे की तरफ में हम लोग आने वाले हैं अब, और पीछे की तरफ में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ब्रॉड वाला जो ऑप्शन है वो ब्रॉड वाला ऑप्शन दिखेगा। ऑल दो कुछ लोग कहेंगे यार ये वाला लुक जो है थोड़ा सा दब गया, वो ज़्यादा ब्रॉड लग रहा था, तो भैया थोड़ा इसके बारे में ऑडियंस को बताओ। इसमें क्या किया हमने, उसमें 255 का टायर डाला था। ठीक है, हमने 265 फिट बढ़ा दी। ठीक है, इसका प्रोफाइल भी बढ़ा दिया। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हो गया, कई कस्टमर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड यूज़ करते हैं गाड़ी को। ठीक है, कच्चे रास्तों में जाना होता है, हिली एरियाज में जाना होता है, क्रशर्स में गाड़ी चलनी होती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये टाइडल वालो कॉन्टिनेंटल का, 1,00,000 किलोमीटर की कंपनी गारंटी देती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रेड है, डेप्थ बहुत अच्छा है, आवाज़ जीरो है, 60 प्रोफाइल है, जितना हैवी यूज़ कर सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, मेरे जितने भाई जिनके पास XUV500 है जो कि परेशान रहते हैं कि भाई कलेक्शन ही नहीं है,
भाई कोई कहता है कि भाई ये लगा लो, कोई कहता है वो लगा लो, लेकिन असलियत में होता क्या है, गाड़ी चलती है, झूले खाती है गाड़ी। तो यहाँ पर हमारे पास एक XUV 500 है जिसके अंदर बड़े धासु वाले जो अलॉय व्हील्स है वो भैया ने चूज़ करे। टायर साइज़ बहुत डिफरेंट है, और अगर आप लोग थोड़ा पास आओगे तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने नट्स खोल रखे हैं, और ये जो आप लोगों को बिल्कुल, अगर आप लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहे हो, आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी बुलेरो वाली वीडियो देखी है, तो भाई ये है भाई, ओ भाई ये देख लो मेरे से, ये मतलब ऐसे करके मेरा वेट बन गया पूरा, और मैं इससे बॉडी बना सकता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया कन्वर्टर। तो इन कन्वर्टर्स का सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है, इनका सबसे बड़ा रोल यही है कि इनको अपनी गाड़ी में लगवाओ, और आप लोगों को जो कहते हैं ना कि भाई मेरे को 22 इंची के अलॉय चाहिए, 20 इंची के अलॉय चाहिए, तो उनके लिए जो है ये एक रामबाण इलाज है। ठीक है, तो भैया एक बार इसकी फिटिंग दिखाना कैसे बैठती है एक बार। ये कन्वर्टर्स बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं, बड़े बहुत लोग बनाते होंगे इसको ऑलरेडी। ठीक है, हम लोगों ने इसको CNC पे बनाया। CNC पे बनाने का बेनिफिट क्या है, जो वॉबलिंग का इशू लोग अक्सर कहते थे आता है, वो जीरो वॉबलिंग आ जाती है, जीरो वॉबलिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को बोलोगे यार XUV में मुझे 17 डालना है, 18 डालना है, 20 इंच डालना है, 22 डालना है, 24 इंच डालना है, सारा कुछ डल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारे यहाँ पर भैया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग करते हैं, तो एक बार ऑडियंस को जो है लगा के दिखा देंगे एक बारी। इसमें कुछ नहीं किया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल के आगे हमने नया कन्वर्टर लगा दिया, ना गाड़ी की ओरिजिनलिटी छेड़ी हमने, ना गाड़ी में कोई जुगाड़ किया, कोई अल्टरेशन नहीं करी। ये कल को अगर कोई कस्टमर कहता है यार मेरे को अलॉय व्हील्स ये नहीं लगाने, आई वांट माय ओरिजिनल फिटिंग बैक, खोले आपकी ओरिजिनल फिटिंग बैक। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार XUV में तो आपने सूखा सूखा भेज दिया, तो XUV में भी थोड़ा अपग्रेडेशन दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं। सो गाइज, आप लोग मीनवाइल जब तक ये सब प्रोसेस होता हुआ देखते हो, 20 इंची जो है वो स्कॉर्पियो में लग चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक बिल्कुल कहते हैं ना कि रियल कस्टमर रिव्यू। तो हमारे साथ सर है, सर एक बार नाम बताइए अपना। पवन कालरा जी। पवन जी हमारे साथ है, तो सर एक चीज़ बताइए, आपके पास XUV 500 है, आपने कौन सा इसमें सोचा कि भाई बेस्ट साइज़ है जो मैं लगवाऊंगा? ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਇੰਚੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 20 ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ, 20 ਪਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। 18 इंची भैया ने पहले लगवाए, भैया को वो भी पसंद आए, भैया ने अपग्रेडेशन कर लिया 20 में, और अगर अब 20 भी अच्छा चलेगा तो क्या लगवाओगे? 22 लगवा देंगे। तो भाई ये होती है शौक वाली चीज़। और एक चीज़ और होती है सर, अगर वेलोसिटी टायर्स में आ रहे हैं तो क्या एश्योरिटी रहती है? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਤਨ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਈਆ ਰਮਨ ਭਈਆ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਥੰਬਸ ਅਪ ਬਣਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਆਗੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਭੀ ਭਈਆ ਕੇ 20 ਇੰਚਸ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਈਆ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਹੈ, ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਕਾ ਐਕਚੁਅਲ ਓਵਰਵਿਊ ਕੈਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ। XUV 500 ਮੇ जैसे मैंने पहले बताया था, भैया भी बड़े परेशान थे जब गाड़ी लेने से पहले, उन्होंने बोला कि अलॉय का क्या करना, मैंने कहा टेंशन ले लो, सब हमने जुगाड़ किया हुआ है। पहले इनको 18 इंच डाला, 18 इंच में ही वॉज कम्फर्टेबल, नाउ ही हैज गॉन फॉर 20 इंचेस। ठीक है, 20 इंच में अगर राइड क्वालिटी अच्छी लगेगी, देखिए यही एक ट्रस्ट और एक ये कैपेसिटी वाली बात होती है, आप कस्टमर को एक काम करके देते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो वापस आता है। अब भैया 300 किलोमीटर दूर से हमारे पास अलॉय व्हील डलवाने आए हैं। अच्छा, वहाँ से कोई ऐसे तो है नहीं दुकानों की कमी है, लेकिन एक ट्रस्ट एक प्यार बना हुआ है भाई के साथ, तो उसके लिए कस्टमर आता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इनको जो काम करके देना उसमें कंप्लेंट नहीं आए। ये भाई बिल्कुल भैया ने बढ़िया बात बोली है, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो एक ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो गाइस 40 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, मेरा पसीना देख रहे हो कैसे टप टप बह रहा है, मास्क पहना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी सांस लेने की, लेकिन जो ब्रेथ टेकिंग वाली चीज़ है वो है ये 20 इंची के अलॉयज। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ओवरव्यू देखना चाहो, तो हमने इस गाड़ी में अब लगाए हैं 20 इंची के अलॉय व्हील्स, और भैया एक बार ज़रा 20 इंची के बारे में बताओ, पंजाब का स्वाद, दिल्ली वालों का स्वाद, हरियाणा वालों का स्वाद, किसका स्वाद है 20 इंच? देखिए आज तो भी ऑनेस्ट, जब से हम लोगों ने इसको अपग्रेड करना शुरू करा है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे हिमाचल है, हर बंदा कहता है मेरी स्कॉर्पियो में 20-22 इंच लगवाना चाहिए। ठीक है, इस चक्कर में आज हमने ये पहले लगाया सैंपल आपके लिए 20 इंच के था। ठीक है, 20 इंच में इसमें साइज दिया है, वी हैव गिवन 275, 45, 20। ठीक है, इसमें ऑप्शन 275, 285, 295। ठीक है, तीनों साइज आ जाते हैं, लेकिन हर एक कस्टमर का एक चॉइस रहता है। अब जैसे इस कस्टमर ने चॉइस करा है, उन्होंने सैंपल चॉइस करा है 275 के साथ। ठीक है, सुनार का टायर है 275, 45, 20, 15 साल से बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेपलेस अलॉय चूज करा, 5 स्पोक का इन्होंने। बिल्कुल, अब कस्टमर का दो ही चॉइस रहता है, या तो वो 5 स्पोक पसंद करता है या वो मल्टी स्पोक पसंद करता है। ठीक है, 5 स्पोक लुक्स लिटिल बेसिक आई बिलीव, ये मेरा ओपिनियन है, हर कस्टमर का एक टेस्ट है, आपका एक टेस्ट है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 5 स्पोक थोड़ा सा बेसिक वैरायटी में आ जाता है। ठीक है, पीछे वाले में अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने लगाया है मल्टी स्पोक। ठीक है, ये रिवर्सिबल में लगाया है, टायर साइज हमने वही रखा है, बिकॉज कस्टमर का स्पेशली वो आइडिया था कि उसको टायर बाहर ज्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, इसके लिए इसमें भी हमने 275, 45, 20 लगाया है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो आप लोग जब भी एलॉय लगवाते हो या टायर्स लगवाते हो, तो सबसे पहले आप जो है जो बंदा इसका काम करता है उसका ओपिनियन जरूर लो। आप लोगों ने ओपिनियन लिया होगा खुद का,
लेकिन एक बार जो बंदा इसका काम करता है उसका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने गाड़ी में टायर लगा के चलाना तो है, लेकिन जिसका ये काम है उसको इसके बारे में ज़्यादा पता होता है। तो बिल्कुल उनका जो एक फाइनल जवाब होगा ना उसकी तरफ ज़रूर जाना। बहुत टाइम हमारे पास कस्टमर हमें आके बोलते हैं कि भैया प्रोफाइल और लो कर दो। हम एक बार ही समझा सकते हैं, दो बार ही समझा सकते हैं कि भैया ये कंपैटिबल नहीं है आपकी गाड़ी के लिए, बिल्कुल, लेकिन मना नहीं कर सकते हैं। अगला बोलेगा पता नहीं क्यों मना कर रहा है। सो वी ऑलवेज गिव अ वेरी गुड गाइडेंस टू द कस्टमर कि ये आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन चॉइस तो आफ्टर ऑल कस्टमर ने ही करनी है। अब जैसे ये कस्टमर थे, इनका स्पेशल मोड था कि भैया टायर गाड़ी से बाहर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, तो हमने 275 रेकमेंड किया एंड ही इज वेरी हैप्पी विद इट। बट ही सेड कि मेरे को 22 भी लगा के दिखाओ, अब 24 भी लगा के दिखाइए, अब 22 और 24 का सैंपल लगाएंगे इसके बाद हम इसको। तो भाई 22-24 का मज़ा जो है आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग जो है XUV500O की तरफ चल रहे हैं, उसमें एक पीस लगा के आप लोगों को दिखा दिया। कितने इंचेस का भी है? 820 इंचेस का विद 275 का, 20 इंची का 275 का टायर है ये। तो एक बार अगर क्लोज व्यू आप लोग देखना चाहोगे तो आप लोगों को क्लोज व्यू से मैं बताना चाहूँगा ये भी चीज़ कि भाई जो XUV500O एक ऐसी गाड़ी है जिसके अलॉय व्हील्स के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं कि यार क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या है, कैसा है, समझ नहीं आता लोगों को। लोग कहते हैं कि भाई अपनी चॉइस देख लो, लेकिन वहाँ पर भैया ने विद कन्वर्टर ये चीज़ लगाई है एंड एक्सपीरियंस वाइज बुलेरो में लोगों ने इतना बढ़िया किया है यार, तो आप लोग खुद इसके बारे में सोच सकते हो। एंड एश्योरिटी वाइज आई गेस आपको आइडिया मिल गया है। बाकी देखते हैं 22 इंच स्कॉर्पियो में और फिर इसके बारे में और बातचीत करेंगे। तो भाई देखो, एंड हो जाती है चीज़ों की जब मतलब बंदा कहता है ना कि भाई अब तो मैं हार गया, इससे ऊपर की चीज़ तो आनी नहीं है मार्केट में। तो भाई आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं 22 इंची के महिंद्रा स्कॉर्पियो में एलॉय, और मतलब ये मतलब एंड है बहुत सारी चीज़ों का कि लोग जो है जहाँ पर हार मान जाते हैं कि भाई नहीं हो सकती चीज़ें। एक बार ज़रा देख लो भाई पहले 22 इंची का क्या रिस्पॉन्स है, और इसी के साथ में जो रियर में आपको टायर लगा हुआ देखने को मिलेगा, ये मतलब कह सकते हो आप लोग, ये देखो, देख रहे हो ये, खुद अपने आप ये ऑब्जर्व कर लो भैया कितने उसका टायर है जरा बताना ऑडियंस को। अलॉय व्हील हमने डाला हुआ है ये 22/10.5J, मतलब 22 इंच/10.5 इंच चौड़ा व्हील, इससे व्हील इस गाड़ी में नहीं लग सकता, 10.5 हाइट्स होती है। भाई आपने अगर देखा होगा ना तो सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं 9J लगे हुए, 9J लगे हुए, भाई 10J आ गए भाई, 10.5 अपग्रेड करो, अच्छा 10.5 आ गए, अपग्रेड करो, आ जाओ मेरे पास एक बारी, और इस तरफ का भी ओवरलुक आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। और ये भी आप लोगों का 22 इंची है, दुनिया हार गई और उसके बाद हम 24 लेके आ रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए ऐसा अभी जो फ्रंट पे व्हील डाला हुआ है इसमें टायर साइज है 265, ठीक है, 40/22, ठीक है, ठीक है। अलॉय व्हील का जो विड्थ है दैट इज 9.5J, ये 9.5 इंच चौड़ा रिम है, बिल्कुल। इसमें 265 डाला है, फिर पीछे वाले में 305 डाला है मैंने। ऐसा नहीं है कि 22 इंच लोग नहीं करते, अगेन बात फिटिंग और स्पेसिफिकेशन की होती है। व्हील डालना ही लेके फिट करना ही एक काम नहीं है, कौन सी गाड़ी में क्या कंपैटिबल है क्या नहीं है वो चीज़ देखना पड़ समझना बहुत ज़रूरी है। भाई फिर हम लोगों ने इसमें अभी आपके सामने 22 लगाया, इसके बाद 24 का नज़ारा दिखाएंगे, तब तक आपको मैं XUV में दिखाता हूँ। उसमें भी कस्टमर बोला यार ये देखिए कि मेरे को भी 22 लगा के दिखाओ, तो हमने इसमें भी एक 22 इंच का सैंपल फिट करा, आप लोग देखिए किस तरह की आ रही है इसमें। तो मतलब भाई मैं एक चीज़ मानता हूँ कि भाई देखो लाइफ में आप लोग सब चीज़ें करो, पैसे भी कमाओ, खाना भी खाओ, सब कुछ शौक पूरे करो, लेकिन भाई जो एक एलॉय और एक अच्छे टायर लगाने की अलग फीलिंग होती है ना, कुछ लोगों को चुल होती है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा चुल है इस चीज़ की कि टायर और एलॉय जो है वो ब्रांडेड होना चाहिए एंड RPM व्हील्स उसमें बिल्कुल खरा उतरता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे रिनॉन्ड ब्रांड है जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन भाई एक बार ही RPM व्हील आप लोग ट्राई करके देखो, अगर पसंद ना आए तब भी बताना, पसंद आए तब भी बताना, ठीक है। एक बार देख लो भाई 22 इंची का रिस्पॉन्स, और इसमें भी सेम साइज लगाया मैंने 265/40/22, ठीक है, और पीछे में 20 इंच लगाया, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस है क्या दोनों में। बिल्कुल ये चीज का मैंने बिल्कुल रिस्पांस मैं देख पा रहा हूँ, अगर दोनों को भी आप लोग देखते हो मिला के, तो भाई मतलब कहते हैं ना वो Isuzu को हवा में उठा देना और उसको पूरा फिटिंग करवाने वाला लुक जो होता है, तो भाई बड़ा जबरदस्त है। तो अब जो है इंतकाम का टाइम आ चुका है, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 24 इंची के अलॉय व्हील्स महिंद्रा स्कॉर्पियो में, जो कि मैंने कैप्शन डाला हुआ है एंड यू गाइस शॉर्ली बी लविंग इट। सो करो भाई, देखो क्या कर सकते हो, और देखना तो तुम पड़ेगा ही तुम्हें, देखो। हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो हो चुकी है इम्प्रूव, और आपका भाई अभी जिसमें बैठा हुआ है ये 24 इंची का टायर, ये वो टायर नहीं है जिसमें ऐसे करके बचपन में हम लोग चलाते थे, ये है भाई अभी तक का सबसे चौड़ा। और भाई एलॉय अगर बात करोगे तो 24 इंची के आपको एलॉय दिख रहा है, तो पहले मैं इस टायर से उतर जाता हूँ, पहले तो इसको ये देखो भाई,
ठीक है भाई। तो 24 इंची का टायर जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब इस अगर टायर को मैं पूरे फिटिंग के साथ आप लोगों को दिखाता तो आप बोलते नहीं यार ये 22 है, तो भाई इसकी पहले एक बार भैया चेक करा दे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो 24 इंची वाली चीज दिखा देते हैं। 295 35 24 X101 W rating का टायर है 24 इंच में 295। इसमें 305 इसलिए नहीं मैं सैंपल लाया बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये भी डिफिकल्ट है फिट करना, इसीलिए मैंने अभी इसको फिट किया नहीं है कि पहले देख लूँ टचिंग में कोई दिक्कत तो नहीं। और कस्टमर जो है वो यही कह रहे हैं कि भैया हम तो 22 में खुश हो गए। ये बात वही है कि अब इच्छा होती है कि बड़े से बड़ा व्हील लगाना है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं वो हमने देखनी है। और भाई सबसे जो अभी मजा आने वाला है वो ये है कि भाई आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखाते हैं इसका, ठीक है। तो RPM व्हील्स की आप लोगों को ब्रांडिंग जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ में अगर आप लोग बात करते हो भाई ड्यूरेबिलिटी वाइज, तो अगेन 24 इंची के जो आपके अलॉय व्हील्स होते हैं वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हाईवे में आप इसको फुल स्पीड में भगा सकते हो, ये अगेन काइंड ऑफ शोई होते हैं भैया। ये देखो रफ तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, ठीक है, ये उनके लिए कंपेटेबल है जिन्होंने दिन में 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी, गेड़ी मारनी और गड़गड़ा कर देनी। और देखो भाई स्टेनलेस अलॉय है, बहुत मेंटेनेंस मांगता है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत सोच समझ के लगाइए। मेरे पास है लगाने के लिए, आपकी चॉइस मैं पूरी कर दूंगा, बट आपको माइंड मेकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाद में मत बोलना भैया वापसी ले लो कुछ और लगा दो, ये वाली चीज वो नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाएंगे भैया, और किसी में भी कर लेंगे इसमें नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखो ये तो आप लोगों ने अपना आगे वाला ओवरव्यू देखा। 24 इंची में आप लोगों को जो बोलते हैं ना भाई क्रोम के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेशली जितने भी मेरे साउथ से लोग देख रहे हैं तो उनके लिए ये धांसू वीडियो है क्योंकि उनकी शौक बड़े अच्छा है। ये वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये दो एपिसोड में आएगी, पहली वाली जो आप लोग देख रहे हो इसमें आप लोगों को दलदला दिखा दिया 24 इंची का, दूसरे में भी 24 इंची दिखाऊंगा। कौन सी गाड़ी में दिखाऊंगा सोचना जरूर, एक लंबी गाड़ी है जो कि मेरी फेवरेट है, एक SUV गाड़ी है जो कि मैं लेना चाहता हूँ, कौन सी होगी जरूर सोचना। फिलहाल के लिए आप लोग आ जाओ एक बार अलॉय की तरफ, तो मतलब जितने मतलब एक बोलते हैं ना कि शब्द निकलते हैं मुंह से कि भाई वाओ बढ़िया बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फैंटास्टिक, तो सारे शब्द जो है वो फेल हो गए। 24 इंची का अलॉय, इफ यू वांट वेलोसिटी आओ लुधियाना में इंस्टॉलेशन कराओ और इंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके लिए भाई हम लोग वेलोसिटी टायर को थम्सअप कहते हैं, ऑल्दो लोगों ने लगाए हुए 24 इंची हम ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन रेडी टू स्टॉक एक बोलना कि मेरे पास है और एक शो करना हमारे पास है, उसमें फर्क है। प्लस एक रेंज को डेवलप, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक रेंज लेकर आपको चीज बेचना, उसमें आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने आप इसमें 24 देखा है, अब कस्टमर जो देख रहे हैं उनके लिए हमने बोला कि लो आपको कहते हैं हमें भी लगा के दिखाओ, तो उसमें भी हमने 24 का उनको एक तकरीबन आइडिया देने की कोशिश करी है कि 24 इंच का व्हील कैसे लगेगा, तो वो एक नया है इसमें मैंने देखी है। आप देखो भाई अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखते हो तो मतलब अगर इसके आप लोग थोड़ा पास से आके देखना चाहोगे तो अगर इसके आप चौड़ेपन को ही देखोगे या फिर जिसको आप बोलते हो कि भाई इसकी विर्थ देखो भाई, मतलब इट लुक्स वेरी डोप और जबरदस्त देखने के साथ साथ में कितना प्रैक्टिकल है भैया ये XUV गाड़ी में। देखिए अगेन प्रैक्टिकलिटी आपकी ड्राइविंग पे है, मैं जब से हमने आपसे मैंने आपको हमने बताने की कोशिश करी है, कम्फर्ट वाइबिलिटी आपकी आपकी ड्राइविंग पे है, ये जो चीजें हैं ये आप समझिए कि लग्जरी है, ठीक है, ये रूटीन के लिए नहीं है, ठीक है, ये आप इसको बोलो कि मैं इससे काम लूंगा गाड़ी में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें आप बोलोगे कि यार सुबह निकाली है संडे का दिन है गेड़ी मारी गाड़ी खड़ी करा दी, दैट्स इट, ये उस पर्पस के लिए। देखो भाई सच्चाई बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, भैया आपको मिल गए। सो विद दिस सेड गाइस हमारा पहला एपिसोड हमारा पहला पार्ट हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट कब आएगा स्टे ट्यून्ड, हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है 7 दिन बाद आए, हो सकता है 10 दिन बाद आए, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, टू बी कंटिन्यूड है, तो एक बार बाय बाय कर दो, ऐसे अभी एंड नहीं कर रहे, सेकंड पार्ट ऐड करेंगे इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो एक बार बाय बाय कर दो बढ़िया तरीके से। और कहां पर है हम लोग, वेलोसिटी टायर्स लुधियाना।